नमस्कार मित्रों, ए प्लेस टू विजिट में आपका स्वागत है। भारत में भुवनेश्वरी माता के दो मंदिर है। एक मंदिर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में है और दूसरा मंदिर गुजरात के गोंडल में। गोंडल के भुवनेश्वरी माता का ये मंदिर 1946 में आचार्य चरणतीर्थ जी महाराज द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर की मान्यता यह है कि शाम को जब इस मंदिर में आरती होती है तब घंटियां अपने आप बजती है। माँ भुवनेश्वरी यहाँ पे साक्षात दर्शन देती है ऐसा माना जाता है, इसलिए दूर दूर से भक्तजन शाम की आरती के लिए अवश्य आते हैं। यदि आप सौराष्ट्र घूमने जा रहे हो तो राजकोट से थोड़े आगे ही गोंडल आ जाता है, तो ये मंदिर रास्ते में ही आता है, तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। देवी भागवत में माँ भुवनेश्वरी का वर्णन किया गया है, उसमें लिखा गया है कि गोंडल में माँ भुवनेश्वरी साक्षात है। माँ भुवनेश्वरी को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि प्रजा की रक्षा के लिए माँ भुवनेश्वरी की स्थापना की गई थी। गोंडल के इस मंदिर की माँ भुवनेश्वरी की मूर्ति मनमोहक है। यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट द्वारा रहने की और भोजन की सुविधा उपलब्ध है। ये एक शांतिपूर्ण स्थान है। भुवनेश्वरी मंदिर संचालित भुवनेश्वरी औषध आश्रम भी है। यहाँ पे लोग आयुर्वेदिक उपचार के लिए आते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे पूरे साल में कभी भी आ सकते हो, पर सर्दियों के मौसम में आओगे तो अच्छा रहेगा। गोंडल में भुवनेश्वरी माता के मंदिर के अलावा स्वामीनारायण मंदिर और नवलखा पैलेस भी देखने लायक जगह है। गोंडल के आसपास भी घूमने लायक जगह है, जैसे वीरपुर का जलाराम बापा मंदिर। वीरपुर गोंडल के बाद आप आगे जूनागढ़ सोमनाथ जा सकते हो, तो ये आपकी एक अच्छी ट्रिप हो सकती है। यहाँ पे आने के लिए नज़दीक का एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन राजकोट है। राजकोट से आप आधे घंटे में यहाँ पे आ सकते हो। भुवनेश्वरी माता की ऐसी मूर्ति आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अहमदाबाद, राजकोट और बड़े शहरों के साथ गोंडल सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी चैनल में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।